नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए विपक्ष ने सारे घोड़े खोल दिए, मतलब जो हो सकता है वो करो लेकिन नरेंद्र मोदी को रोको। एक बहुत बड़ा प्लान भी तैयार हो रहा है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि 12 जून को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग पटना में होगी जहां से पीएम मोदी के खिलाफ उस फॉर्मूले पर बात होगी जिस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार जगह जगह जाकर विपक्ष के नेताओं को राजी कर रहे थे। भाई नीतीश कुमार घूम रहे थे ना, बहुत जगह जा रहे थे, बोले थे आइए आइए सब लोग मिलकर एक मंच पर खड़े हो जाएंगे, फिर ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे तो नरेंद्र मोदी खत्म, ये मैसेज चला जाएगा। लेकिन ये मेगा मीटिंग हो उसके पहले ही कैसे विपक्षी एकता की पोल खुल गई, कैसे विपक्ष की दो बड़ी पार्टियों में एक विधायक को लेकर तलवारें खिंच गई, कैसे यह लड़ाई पटना में विपक्ष के मेगा शो के पूरे प्लान को फेल करती दिख रही है, आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले आप देखिए कि पीएम मोदी से लड़ने के लिए विपक्षी एकता की बड़ी बड़ी बातें की जा रही, उसकी सच्चाई यह है कि इन्हें अभी तक, भाई 2024 कितना दूर है, अभी मई चल रहा है, एक साल बाद इसी समय के आसपास कोई ना कोई प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुका होगा, एक साल भी नहीं बचा है, और इन लोगों को विपक्ष के जो नेता हैं जो एक दूसरे को कह रहे हैं तुम मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ, उनको एक दूसरे पर भरोसा तक नहीं है, सब एक दूसरे को मोदी के खिलाड़ी बताने में जुटे हैं कि ये तो मोदी के साथ है। देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक को ममता बनर्जी ने तोड़ लिया, तो इससे कांग्रेस गुस्से में है, वो कह रही है कि ममता बनर्जी मोदी से मिली हुई है, इसी तरीके का संकेत वो दे रहे हैं, अभी उसकी डिटेल बताऊंगा। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं और बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने रहे, तो ममता बनर्जी की नजर में अंदर ही अंदर राहुल गांधी मोदी की टीम में, कांग्रेस की नजर में अंदर ही अंदर ममता बनर्जी मोदी की टीम में। उधर अरविंद केजरीवाल को केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस से समर्थन नहीं मिल रहा तो केजरीवाल ने कह दिया कि कांग्रेस तय कर ले कि वो देश के साथ है या मोदी के साथ है, मतलब केजरीवाल अब कांग्रेस को मोदी के साथ बता रही है। उधर कांग्रेस के नेता केजरीवाल को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि केजरीवाल मोदी से मिले हुए हैं, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये बॉस ये चल क्या रहा है, सब एक दूसरे को मोदी का आदमी बता रहे हैं और कह रहे हैं मिलकर मोदी को ही हराएंगे। तो आप इन लोगों की हालत देखिए, ये नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक साथ खड़े हैं लेकिन किसी को एक दूसरे पे भरोसा नहीं, मतलब सब एक हाथ से हाथ मिला रहे हैं और दूसरा हाथ पीछे करके उसमें छुरा लिए हैं कि कब किसको पॉलिटिकली छुरा भोग दिया जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें मिलकर 2024 में मोदी से लड़ना भी है और ये एक दूसरे को ये भी कह रहे हैं कि दूसरा तो मोदी से मिला हुआ है, पहले तो बॉस तय कर लीजिए कि कौन मोदी के साथ है कौन मोदी के खिलाफ है। विपक्षी एकता की बात तो अभी बहुत दूर की लग रही है, वो विपक्षी एकता जो सिर्फ एक विधायक के नाम पर टूट जाए, जिस पर सिर्फ एक विधायक के नाम पर सवाल खड़े हो जाए, एक विधायक के पाला बदलने पर टकराव होने लगे, उसमें कैसे मान लिया जाएगा कि ये लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो जाएंगे। मैंने आपको बंगाल का केस कल ही बताया था कि वहां कांग्रेस का इकलौता विधायक बायरन विश्वास जो अभी 3 महीने पहले चुनाव जीता था उसे टीएमसी ने तोड़ लिया, अब कांग्रेस एकदम नाराज, भाई उसका नाराज होना लाजमी है, एक ही विधायक पूरे बंगाल में, एक विधायक उसका, उसको ममता बनर्जी ने जो है वो तोड़ लिया, अपने तरफ ले लिया। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं जयराम रमेश, वो पूरा गुस्से में ट्विटर पे पोस्ट कर दिए, लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विधायक के तौर पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले बायरन विश्वास को टीएमसी ने प्रलोभन देकर अपने पाले में कर लिया, यह सागरदीघी विधानसभा के जनादेश के खिलाफ एक तरह से विश्वासघात है। इसी तरह से गोवा मेघालय त्रिपुरा और दूसरे राज्यों में विधायकों को तोड़ा गया था, यह काम विपक्षी एकता को मजबूत नहीं करता और सिर्फ बीजेपी के उद्देश्यों को पूरा करता। लाइन सुन रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी का जो उद्देश्य है एक तरह से उसको पूरा कर रही है। यह करीब करीब वैसी ही लाइन है जो राहुल गांधी ने मेघालय की चुनावी रैली में टीएमसी को लेकर कही थी कि टीएमसी तो बीजेपी की बी टीम है। एक विधायक इधर से उधर क्या हुआ, जयराम रमेश बताने लगे कि ममता बनर्जी कैसे बीजेपी के उद्देश्य को पूरा कर रही है। भाई इसका सीधा मतलब यही है कि कांग्रेस अंदर ही अंदर मान रही है कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर रही है।
जब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो फिर विपक्षी एकता तो सिर्फ हवाबाजी ना है और क्या है भाई। आप कह रहे हो हम मिलके लड़ेंगे, हम एक दूसरे से सीट सेटलमेंट कर लेंगे, और आप कह रहे हो कि ये तो मोदी के उद्देश्यों को पूरा कर रही है, तो सीट सेटलमेंट कैसे होगा? मान लो अगर सब चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ इकट्ठा भी हो गए तो बाद में इनकी गाड़ी पटरी पर कैसे टिकेगी? क्योंकि आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एक ही विधायक था, वो भी ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको टीएमसी में ले आई, और कांग्रेस का जब बचा कुचा विधायक भी टीएमसी ने तोड़ लिया तो उसने भी विपक्षी एकता की बातें एक किनारे रखी, रखो साइड, जब टीएमसी सुनी नहीं रही है तो टीएमसी को सुनाना शुरू करो। अब पब्लिक भी ना देखेगी कि जिन लोगों से एक विधायक का पाला बदलना मैनेज नहीं हो रहा, जो आपस में ही तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, वो 2024 के लिए कुर्बानी देंगे, क्योंकि 2024 अगर नरेंद्र मोदी को इन लोगों को मिलकर हराना है, जो अभी बहुत दूर का सपना है, तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां लगेंगी उसके लिए। क्या क्या कुर्बान करना पड़ेगा सुनिए, और सोचिए कि क्या ये लोग जो एक विधायक पर लड़ भिड़ रहे हैं वो कुर्बानी दे पाएंगे। साथ मिलकर चुनाव लड़ने में सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। अगला कहेगा कि यहां तो हम जीत सकते हैं, दूसरा कहेगा हम जीत सकते हैं, वहीं मारा पीटी हो जाएगी, कौन कुर्बानी देगा? कार्यकर्ताओं को अलग समझाना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी को सपोर्ट करो, तो कार्यकर्ता को मन में जो दूसरी पार्टी के लिए भड़ास है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहीं कहीं अपने मजबूत नेता को भी बैठने को कहना होगा कि अरे आप बैठिए, उसको दे रहे हैं सीट, तो वो बड़े नेता को अपने इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सभी राज्यों में पार्टी मजबूत करने का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा, तो भविष्य की संभावनाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुद्दों की कुर्बानी देनी होगी, विचारधारा से समझौता करना होगा। जीतने पर पीएम कौन बनेगा यह जब तय होगा तो बाकियों को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि पीएम तो सबको बनना है। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देगा कौन? एक फिल्म आई थी आंखें, आपको याद होगा, जिसमें एक सीन था कादर खान का और सदाशिव ओमपुरकर का, जिसमें वो कहते हैं कि भाई लगता है एक महिला जो है वो हम दोनों से प्यार करती है, लेकिन हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, तो हम ये दोस्ती नहीं तोड़ सकते, लेकिन किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी। तो दोनों आपस में लड़ जाते हैं, कुर्बानी देगा कौन? तो दोनों कहते तू देगा कुर्बानी। तो विपक्ष का यही हाल है कि कुर्बानी सबको चाहिए, लेकिन देगा कौन? तो तू देगा कुर्बानी, मैं नहीं दूंगा। अब जिनसे एक विधायक कुर्बान नहीं हो रहा वो इतनी कुर्बानियां देंगे क्या? आप समझ जाइए क्या हाल होगा 2024।